जांजगीर चांपा जिले के नरिया गांव में पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल बलवा के मामले में जांच करने पुलिस मुलमुला थाना क्षेत्र के नरियरा गांव पहुंची थी। बलवा के आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर दूसरे पक्ष से मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना में प्रधान आरक्षक भोलेनाथ तिवारी और आरक्षक रामचरण सिंह को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वही मामले में बलवा के आरोपी गोलू टंडन, आकाश टंडन के साथ सुकृत टंडन, हरिशंकर नवरत्न, दुलारी टंडन और कुछ महिलाओं के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। में पदस्थ हेड कांस्टेबल भोलेनाथ तिवारी और अन्य स्टाफ विवेचना कार्यवाही हेतु नरियरा गांव में गए हुए थे। उसमें नरियरा गांव में ही पूर्व में एक बलवा कायम हुआ था, जिसमें काउंटर केस हुआ था। उसी बलवा के प्रकरण के आरोपियों से भोलेनाथ तिवारी उसकी विवेचना कर रहे थे, तो वो पूछताछ के लिए वहाँ गए हुए थे। उसी दौरान आरोपीगढ़ की तुम दूसरे पक्ष से मिले हुए इस तरह की बातें करके आक्रोश में आके अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसमें हेड कांस्टेबल को चोट भी आई और इसमें मुलमुला थाने में अपराध कायम किया गया है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।